रविवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन में राम नाम का डंका बजा। अवसर था डेरा सच्चा सौदा की प्रदेश स्तरीय नाम चर्चा का, जिसमें हिमाचल से बड़ी तादाद में साध संगत ने शिरकत की। प्रदेश स्तरीय नाम चर्चा ने पहाड़ों के सुहावने मौसम को और भी मनोरम बना दिया। नाम चर्चा के दौरान आई हुई भारी तादाद में साध संगत ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन वचनों को सुनकर खुद को निहाल किया। नाम चर्चा के दौरान डेरा सच्चा सौदा की मुहिम अनाथ मातृ पितृ सेवा के तहत 15 अति जरूरतमंद बुजुर्गों को राशन वितरित किया गया। आत्मनिर्भर मुहिम के तहत साध संगत ने 7 महिलाओं को सिलाई मशीनें देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। रविवार को सोलन में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा था। हर तरफ डेरा अनुयायी ही नजर आ रहे थे। साध संगत ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का इलाही नारा लगाकर और दोनों हाथ खड़े कर पूरी एकजुटता के साथ मानवता भलाई कार्यों में दोगुने जोश के साथ भाग लेने का संकल्प दोहराया। प्रदेश स्तरीय नाम चर्चा में कविराज भाइयों ने अनेक सुंदर भजनों के माध्यम से सद्गुरु की महिमा का गुणगान किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ब्लॉकों के जिम्मेवारों सहित हजारों की संख्या में साध संगत मौजूद रही। इस मौके पर पहुंचे बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि उन्हें अत्यंत खुशी हो रही है साध संगत के बीच में आकर। इतनी गर्मी होने के बावजूद ऐसा शांतिपूर्ण श्रद्धा से लबरेज माहौल उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा संस्था लगातार मानवता हित में कार्य कर रही है, जो कि बहुत सराहनीय है। वे डेरा सच्चा सौदा की साध संगत को इन मानवता भलाई कार्यों के लिए आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। वहीं हिमाचल में चल रहा नाम चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी है। साध संगत द्वारा बड़े स्तर पर हर रविवार को पूरे प्रदेश में नाम चर्चाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में अगली नाम चर्चा कांगड़ा में होगी। यहाँ सोलन में आज एक भव्य समागम का यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। मुझे पता लगा कि यहाँ पे कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं और कुछ बहनों की सहायता के लिए इन्होंने खास तौर के ऊपर कार्यक्रम रखा। तो हमारे यहाँ पे कई जानकार लोग आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, चंडीगढ़ से, तो उनका कहना था। तो हम लोग यहाँ पर कसौली में मेरा प्रोग्राम था, उसके माध्यम से आज यहाँ पे सबके दर्शन करने का मौका मिला। और यहाँ आकर मैंने देखा है कि सब लोग जो है वो गुरु महिमा जिस तरीके से यहाँ पर उसके माध्यम से पहुँचे हैं और जिस प्यार के साथ, जिस सम्मान के साथ और जिस लय के साथ वो सब लोग यहाँ पर नाच कर रहे थे, तो एक बड़ा ही जो है वो भव्य दृश्य भी देखने को मिला। और मुझे बताया गया है कि सब लोग ऐसे ही ये कार्यक्रम थोड़े दिनों में और भी क्षेत्रों के अंदर अगले रविवार से उधर भी हो रहे हैं और सब लोग यहाँ पे उनके भोजन का भी प्रबंध किया गया है। और मैं सब आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ पलक इंसान हूँ, गरली ब्लॉक से आई हुई हूँ हिमाचल से। तो यहाँ हमारे यहाँ पे पिताजी ने जो इतनी रहमत बरसाई है हिमाचल पे, पहली बार जो है पिताजी ने साल में मतलब महीने में 4 मतलब भंडारे हमें दिए हैं। तो मतलब सारे भंडारे पहले जिस भंडारा था जिस धर्मशाला में मिला हमें, तो हम वहाँ पे भी हम बढ़ चढ़ के सहयोग करा, वहाँ पे भी हमारी बस हो गई, मतलब कि बहुत संगत हिमाचल की बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने। फिर उसके बाद हमारे नगरी में नाम चर्चा हुई, वहाँ पे भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी यहाँ पे पिताजी ने सोलन में बुलाया है, सोलन में मतलब यहाँ पे नाम चर्चा रखी है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो पूरी सारी हिमाचल की साध संगत यहाँ पहुँची है। मतलब इस बार मैं अपने ब्लॉक की एक बस लेके आई हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे पिताजी ने बहुत, जैसे मानवता भलाई के कार्यों की बात करी जाए तो यहाँ पे मानवता भलाई के कार्यक्रम जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब जो बिना नौकरी के हैं महिलाएं, उनको पिताजी ने सिलाई मशीन दी हुई है। सिलाई मशीन जो है कि एक मानवता भलाई कार्य में दी है कि वो अपनी बेरोजगारी से बचे, उनको बेरोजगारी ना मतलब वो एक काम करने लगे, उनको मतलब पैसा घर आए, मतलब काम करे, वो अपने घर बैठे पैसे कमा सके। उसके बाद पिताजी ने दूसरा कार्यक्रम जो चलाया हुआ है वो है कि जैसे जो मतलब अनाथ हैं, मतलब बुज़ुर्ग जो अनाथ हैं, उनके लिए पिताजी ने खाने का चलाया है कि उनको खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं पिताजी, कि खाना दे रहे हैं उनकी सेवा, मतलब उनकी हेल्थ के लिए, हेल्थ उनकी प्रॉपर रहे, उनकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े, उससे उनको प्रॉपर खाना सेवा दी जा रही है। वो एक मानवता भलाई का कार्य है। नाहन से आया हूं और पिताजी के नाम चर्चा के इस प्रोग्राम में हमारे नाम से बहुत तादाद में साध संगत भी मेरे साथ आई है। और पिताजी के इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूर दूर से जो संगत आई है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
पूज्य पिताजी ने जो हमें अपने अच्छे वचनों से चलाया है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शिमला से आया हूँ और मैंने सुना कि नाम चर्चा हो रही है शिमला में, सोलन में, तो मैं यहाँ मुझे देखते ऐसा लग रहा है कि सात संगत बढ़ के आ रही है। प्रोग्राम है हमारा डेरा सच्चा सौदा का, नाम चर्चा है, उसमें आया हुआ हूँ और यहाँ सात संगत का प्रेम देख कर मैं दिल गदगद हो गया और इतनी खुशियाँ मिल रही है, कहने से बड़े की बात है।